Revolver Rani is a satirical and unusual love story set against the backdrop of politics. Besides Kangana Ranaut and Veer Das, Zakir Hussain, Piyush Mishra aur Zishan Qadri bhi is film mein nazar aayenge. So let's see ki ye Revolver Rani phir sabit hogi the queen of box office. रिवॉल्वर रानी चंबल के होस्टाइल इलाके में सेट एक पॉलिटिकल सटायर है जहां कोई दोस्त नहीं सिर्फ दुश्मन रहते हैं। ये डार्क कॉमिक लव स्टोरी अलका सिंह ऑल्सो नोन एज रिवॉल्वर रानी और उसके टॉय बॉय रोहन मेहरा पर आधारित है। अलका सिंह एक पार्टी की लीडर है और उसकी पार्टी ग्वालियर के इलेक्शन में हार जाती है। जीतने वाली पार्टी रिवॉल्वर रानी को हर्ट करने के लिए उसके लवर बॉय रोहन को परेशान करने लगती है। तो क्या रानी साहिबा बचा पाएगी अपने प्यार को इन गुंडों से, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगी रिवॉल्वर रानी। कंगना रनौत अलका सिंह यानी कि रिवॉल्वर रानी के किरदार निभा रही हैं। उनका डी ग्लैम लुक काफी रॉ और एजी है। कंगना जो अपने कैरेक्टर्स के साथ रिस्क लेने के लिए मशहूर हैं, हैज डिलीवर्ड अ स्मोकिंग एक्ट येट अगेन एंड डन कंप्लीट जस्टिस टू हर कैरेक्टर। उनकी एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज उनके कैरेक्टर को और भी ज्यादा एनहांस करती है। फिल्म में स्टैंड अप कॉमिक वीर दास भी दिखाई देंगे एज रानीज लवर बॉय रोहन मेहरा। रोहन एक स्ट्रगलिंग बॉलीवुड एक्टर हैं। वीर का लुक बहुत ही कूल और कैजुअल है और रिवॉल्वर रानी के फन फैशन और गन को काफी अच्छे से सपोर्ट करता है। हिज कॉमिक टाइमिंग इज परफेक्ट एज ऑलवेज। ही सीम्स टू ट्राई टू हार्ड एट टाइम्स दो। एक छोटी और अननोन फिल्म केमिस्ट्री के बाद डायरेक्टर साई कबीर एक लोडेड रिवॉल्वर ले आए हैं। ही स्टार्टल्स अस विद हिज पावरफुल स्टोरी टोल्ड इन अ कंप्लीट पल्प फिक्शन वे। कई सीन्स और बैकग्राउंड म्यूजिक किल बिल की याद दिलाते हैं। ही हैज कास्ट हिज कैरेक्टर्स ब्यूटीफुली एक्सट्रैक्टिंग सुपर परफॉर्मेंस फ्रॉम पीयूष मिश्रा एंड द गैंग। Most of all, he shows us Kangana in a raw avatar and makes her perform to her best. Sai does a superb job. Here is a raw storyteller to watch out for. Well done, Sai. रिवॉल्वर रानी का म्यूजिक कंपोज किया है संजीव श्रीवास्तव ने और लिरिसिस्ट हैं शाहीन इकबाल एंड पुनीत शर्मा। फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाया है द सुपर एनर्जेटिक उषा उथुप ने और ये कंगना के कैरेक्टर को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है। इट हैज एन 80s फील टू इट एंड द यूज ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा एज एन एज टू दिस सॉन्ग। थाए करे कट्टा है एक रस्टिक एंड गुंडागर्दी से भरा गाना। पीयूष मिश्रा की आवाज इस गाने को देती है एक रस्टिक येट एची टोन। वी मिक्स यू माइकल जैक्सन इज अ ट्रिब्यूट टू MJ। इस डिस्को स्टाइल गाने को गाया सलीम जावेद ने। दिस सॉन्ग एंड इस म्यूजिक जार एट टाइम्स। आई एम ब्रूटल एक वैकी सॉन्ग है। ये गाना संजीव श्रीवास्तव ने बहुत फनी तरीके से गाया है। काफी नहीं चांद एक रोमांटिक नंबर है जो लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले ने गाया है। शाहीन इकबाल लवली लिरिक्स एड टू द रोमांटिक मूड। रिवॉल्वर रानी के गाने इस फिल्म की तरह हटके और सिचुएशनल हैं। गोलियों की बरसात के लिए तैयार हो जाइए और हर किस्म की बंदूकों के साथ ये रिवॉल्वर रानी आपको दंग करने आई है। गजब की हार्ड हिटिंग स्टोरी अपेरेंटली बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट लेकर तिग्मांशु दुलिया गिव्स अस येट अनदर डेडली स्टोरी ऑफ गन्स एंड गर्ल्स फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया। द फिल्म इज रॉ, इट इज एजी, इट इज अ पॉट बॉयलर, गेट इट इज इंटेलिजेंट एंड शार्प। कुछ सीन्स एडिट किए जा सकते थे और एक दो गाने कम। इन सम प्लेसेस द मूवी ट्राइज टू हार्ड बट मोस्टली इट एंटरटेन्स। कंगना टेक्स इट टू येट अनदर लेवल विद अ स्टार्टलिंग परफॉर्मेंस येट अगेन। शी इज ऑन अ रोल। वॉच दिस मूवी फॉर टैरेंटिनो-esque फील एंड द डार्क ह्यूमर। डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। RR को मैं देता हूँ 3.5 स्टार्स।